नमस्कार, करवा चौथ सभी को मुबारक हो। सभी सुहागनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करती हूँ। मुझे मालूम नहीं शोला श्रृंगार मैंने किया है कि नहीं, कुछ चीजें रह गई है, जैसे कि मेहंदी हो या आलता हो। आलता में अभी अभी तक मेरा वो शुद्धिकरण नहीं हुआ है, गंगा स्नान नहीं हुआ है, तो मैंने आलता नहीं पहना है और पाँव में बिछिया नहीं पहना जाता है। हमारे यहाँ रिचुअल में पाँव में बिछिया और पायल नहीं पहना जाता, तो वो दो को छोड़ के पता नहीं शोला श्रृंगार हुआ कि मेरे। ये करीबन एक महीने से हर शूट में मोहल्ला से लेके लक्ष्मी पूजा से लेके और ये शूट से लेके करवा चौथ का शूट, हर चीज़ में मुझे इतना सिंदूर पहनना पड़ता है कि मेरा पूरा बाल एकदम चिपका चिपका हो गया है। बालों को लेके कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे हेयर टाई करना बिल्कुल नहीं आता। जितना मैनेज किया जाता था मेरी माँ किया करती थी, मुझे बिल्कुल नहीं आता है। और किसी भी वेन्यू में जाने से पहले माँ पार्लर से लड़की बुला के मेरा हेयर स्टाइलिंग करवाती थी। तो आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ लुक मैंने दिया है। दिस इज एन ऑर्गेन्जा, इट इज नॉट ब्लड रेड, इट इज पिंक रेड। इट इज एन ऑर्गेन्जा विथ अ गोल्डन बॉर्डर, पिंक रेड। और इसका ब्लाउज है आर्ट सिल्क, और सभी आर्ट सिल्क देते हैं, तो मैंने कुछ अलग किया है, करने की कोशिश की है। इसका मैंने रेड वेलवेट ब्लाउज मैंने ऐसे नेकलेस पहना है, रेड वेलवेट ब्लाउज विद गोल्डन पट्टी। अच्छा, ये है एक चिक मैंने पहना है, आर्टिफिशियल है, चिक पहना है, सोना है मेरे बदन में, सोना भी है, गोल्ड भी है। तो ये तो आर्टिफिशियल लुक है, लुक देने के लिए कि सोलह श्रृंगार में जो होता है। ये चूड़ा है, इसी चूड़ा को मैं बहुत तरीके से डिज़ाइन करके अलग अलग साड़ी के साथ मैं पहनती हूँ। मैं इतनी ब्लेस्ड फील होती हूँ कि भगवान को हर वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ कि शायद किसी दिन अगर फेसबुक शायद बंद हो सकता है, लेकिन मेरा फैशन स्टेटमेंट कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इतने सारे साड़ियाज है, मेरे हैं, मेरी माँ की है, और भी बहुत सारे गिफ्टेड है। तो कि मैं अगर आने वाले 10 साल भी करने लगूँ ना, तो भी बंद नहीं हो। तो फैशन इज अनलिमिटेड एंड फैशन इज टिल इन्फिनिटी। तो चूड़ा है, ये सोने का मैंने कड़ा पहना है, माँ का बिस्तर साफ करते करते मिला था इसका, और एक हिस्सा पता नहीं कहाँ है, इसका जोड़ा कहाँ, मैंने माँ ने दो बनाया था, तो इसका और एक जोड़ा कहाँ है मालूम नहीं। ये मैं हर वक्त पहन के रखती हूँ, जब से मिला है माँ का बिस्तर साफ करते वक्त, तब से मैं पहन के रखती हूँ। वो कंबल देना है लॉन्ड्री में, तो उस वजह से, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाती हूँ, अचानक से फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई, खराब हुई है तबीयत। जिस दिन मेरा आउटडोर शूट हुआ था, घर के बाहर मैंने लक्ष्मी पूजा का शूट किया था, लोगों की इतनी ना नज़र लग गई कि खराब हुई, इसलिए मैं घर के बाहर ज़्यादा नहीं निकलती, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगती। लोग किसी भी स्टेशन में जाके, सड़क में जाके इतना रील्स और इतना वीडियोस कैसे बना लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। तो ये है कमरबंद नहीं पहना मैंने, मैं ज़्यादातर कमरबंद ही पहनती हूँ करवा चौथ में। इस बार मैंने ये रखा है चाबियों का गुच्छा वाला, ये मेरे शादी के टाइम पर मेरे सास ने दिया था, चाबी का है ये, फेक नहीं है, ओरिजिनल है। अच्छा, मंगलसूत्र है, ये मंगलसूत्र मैं साल में एक बार ही पहनती हूँ, एक या दो बार, काली पूजा के टाइम शायद पहनती हूँ या करवा चौथ के। ये बहुत साल से, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से ये मेरे साथ है। जी नहीं, ओरिजिनल नहीं है, फिर भी ये मेरे साथ है। तो ये मेरा सेट हो गया है, मांग टीका हो गया है, सिंदूर हो गया है, बालों को टाई किया है, क्योंकि बाल तो खुले नहीं रखे जाते, तो बहुत मेसी हो गया है मेरे बाल। तो ऐसा लुक देने की मैंने कोशिश की है। ऑर्गेन्जा की साड़ी की मैं बात करूं तो मैं प्राइस तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती, मेरा काम है फैशन और लुक्स को शो ऑफ करना, ये सब शो ऑफ करना नहीं। ये सब 100% ऑर्गेन्जा नहीं है, 100% ऑर्गेन्जा मेरी माँ का है, वो 100% ऑर्गेन्जा स्टार्टिंग होती है
फ्रॉम 6000 ऑनवर्ड्स टू अब जितना आगे जा सकते हो. ये 100% ऑर्गेन्जा नहीं है, ये ऑर्गेन्जा मेटेरियल और लिनन मिक्स्ड है. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, हालांकि ये सस्ता नहीं है लेकिन फिर भी ये 100% ऑर्गेन्जा नहीं है. और 100% ऑर्गेन्जा में कभी मेरे माँ का अलमीरा खोल के मैं एक पहन के आप लोगों को सामने लाऊंगी, क्योंकि ये 60s-70s का पैटर्न था, तब ऑर्गेन्जा का बहुत ज्यादा बोलबाला था. तो फैशन वही है, घूम के जो कुछ आ रहा है वही फैशन है. तो ये ब्लड रेड नहीं है, यही बड़ी बात है. बहुत सुंदर रेड है, प्रिटी रेड है, मतलब पिंकिश रेड बोलते हैं. रेड का भी बहुत सारा पैटर्न होता है, उसके साथ इतना सुंदर गोल्डन का बॉर्डर, एक छोटी बॉर्डर, एक चौड़ा बॉर्डर. ये दिया हुआ है प्लीट करके पहनने के लिए, तो मैं प्लीट करके तो पहनती हूँ लेकिन प्लीट करके पहनने से इतना सुंदर दिखता नहीं, तो इसलिए मैंने खोल के पहना है. इसको तो मैं बिल्कुल रिपीट तो करूँगी, मैं तो साड़ी रिपीट करती हूँ, तो तब मैं नेक्स्ट टाइम मैं प्लीट करके पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी. चूड़ा हो गया है, नेल पेंट्स तो लाल रहेगा ही, नेल पेंट्स लाल है, ये परसोनी का है. मैंने नोज पिन चेंज नहीं किया, जैसे रहता है मेरा वही किया है मैंने. और आंखों को आज मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल आंखों को मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने ग्लिटर दिया है, वो भी रेडिश मेरून, रेडिश मेरून से ग्लिटर किया है. ऊपर का हिस्सा मैंने कुछ नहीं किया है, नीचे मैंने आइकॉनिक वाटर लाइन लाइनिंग के वहां से आइकॉनिक दिया है. और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और ये ग्लिटर वाला एक बिंदी मैंने पहना है रेड का. बिंदी नहीं पहनूंगी तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, बिंदी पहनो. मैबेलिन का लिपस्टिक है, रेड है, लेकिन वो ब्लड रेड वाला नहीं, खून चूसने वाला रेड नहीं, सोबर रेड है, क्योंकि साड़ी बहुत सोबर है. और बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि मैं ब्लैक क्यों नहीं पहनती. देखिए मैं ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, ब्लैक और व्हाइट फेवरेट कलर है, तो मैं बहुत जल्दी पहनूंगी, मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो मैं पहनूंगी. ये मांग टीका है, ये 16 सिंगर में सिंदूर है. आईब्रोज तो मैंने जैसे तैसे किया है. और मेकअप की मैं बात करूँ तो मेकअप बहुत सिंपल रखा है मैंने, लेकिन हाँ आज मैंने कंसीलर भी यूज़ किया. ज़्यादातर मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बे या अंडर आई पफिनेस ये सब नहीं है. ब्लेस यू, अंडर आई पफिनेस ऐसे कुछ नहीं है. तो मैं हर वक्त बिलीव करती हूँ, कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ मैं हर वक्त बिलीव करती हूँ, मैं मेकअप नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन का रखूँ. मतलब मैं जो दिखती हूँ ओरिजिनल में उसका सेकंड लुक मैं रखूंगी. ऐसा नहीं कि मेकअप के ऊपर मेकअप चढ़ाते जाओ और धोने के बाद अरे ये बिना मेकअप के आ जाई है कैमरा के सामने, ये ऐसी दिखती है. मुझे वो कंट्रोवर्सी में नहीं है, जो मैं ओरिजिनल में दिखती हूँ उसका सेकंड लुक सजना जजना सबको ही पसंद है, अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, बस उतना ही. बहुत ज्यादा लिपापोती नहीं. और रॉन्जिल का एक शिमरिंग दिया है लेकिन गोल्डन नहीं, वो बेस में मैंने जब मैं फाउंडेशन यूज कर रही थी उसी में मैंने लिक्विड रॉन्जिल का सिल्वर दिया था, ताकि एक स्मूथ सा लुक आ सके. ये नहीं यहाँ धब्बा नहीं, मुझे नहीं चाहिए. और गर्मी है और क्योंकि ये एसी लुक नहीं है तो मुझे वो सोच के रखना चाहिए, ड्राई मेकअप है. ये है मेरा अल्टीमेट लुक. आज मैंने कोई चप्पल भी नहीं पहना है और कोई हैंडबैग नहीं, क्योंकि करवा चौथ का लुक है तो थाली होनी चाहिए लेकिन नहीं है. और बिल्कुल मैं करवा चौथ करती हूँ लेकिन किसी बहुत से साल हो गए नहीं कर पा रही हूँ, मेरे माँ पे जाने के बाद से. मैं चंदा मामा को देख के मैं व्रत तोड़ती हूँ, तो अगर मेरा पीरियड ना हो, अगर कोई मृत्यु ना हो घर में, तो बिल्कुल मैं करवा चौथ करती हूँ. मैं तहे दिल से मानती हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम बंगाली, आई बिलीव इन सैंक्टिटी एंड इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म. जो मुझे अच्छा लगता है मैं बिल्कुल करती हूँ. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा. तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करते रहिए और मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बूस्ट मिल सके. आप लोग सब अच्छे रहिए, नमस्ते.